कक्षा चतुर्थ पंचम विषय हिंदी व्याकरण लिंग। आज बच्चों हम आपको लिंग के विषय में बताएंगे। लिंग क्या होते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा शब्द, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री तथा पुरुष जाति के शब्दों का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप में रूप से पुरुष जाति तथा स्त्री जाति के शब्दों का बोध होता है होता है उसे लिंग कहते हैं। परिभाषा में संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति तथा स्त्री जाति के शब्दों का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे सीता, गीता, रमेश, कुशल आदि। यानी सीता एक लड़की है, इससे स्त्री जाति का बोध होता है। गीता ये भी एक लड़की है, इसे भी स्त्री जाति का बोध होता है। रमेश और कुशल ये दोनों लड़के हैं, यानी कि इनसे जो है पुरुष जाति का बोध होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे
उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम गोपाल कृष्ण आदि, नंबर दो है स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता गीता आदि, देखिए स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता गीता, सीता एक लड़की का नाम है, गीता भी एक लड़की का नाम है, इसलिए ये स्त्रीलिंग हुए। अब मैं आपके सामने मैंने कुछ शब्द लिखे हैं पुल्लिंग, वो आपको जो है स्त्रीलिंग में चेंज करना है। कैसे करना है ये आपको बता रहा हूँ। लड़का, लड़का का होगा लड़की, चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग होगा चाची, घोड़ा घोड़ी, दास दासी, चूहा चूहिया, माली मालिन, ठाकुर ठुकराइन, गायक गायिका, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, आचार्य आचार्या, अध्यापक अध्यापिका, नौकर नौकरानी, Thank you.
इस प्रकार से आपके ये लिंग की परिभाषा हुई और मैंने आपको ये भी बता दिया कि लिंग परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं।